मित्रों, मैं सुमांशु चौहान आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे नाखूनों का भुरभुरा हो जाना, नाखूनों पर लाइनें बन जाना, नाखूनों में अनेक प्रकार से गंदलापन आ जाना या एक सामान्य जो गुलाबी नाखून होना चाहिए उसके अलावा अन्य प्रकार से नाखून का हो जाना, टूटना, नाजुक हो जाना। तो आइए हम सबसे पहले यह जाने कि इन सब के पीछे क्या कारण होता है। तो मित्रों, सबसे पहला जो कारण होता है, नाखूनों को पोषण नहीं मिलता है, अर्थात हमारे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता। पोषण में क्या होता है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर, त्वचा, आँख, बाल और नाखूनों पर पड़ता है। तो नाखूनों का अधिकांश जो टूटना, भुरभुरा होना, ये सब समस्याएं पैदा होती हैं, उसका मुख्य रूप से कारण होता है एक तो विटामिन B12 की कमी, दूसरा होता है विटामिन डी की कमी और प्रोटीन की कमी। इन सब की कमी करने के लिए हमें निसंदेह संतुलित भोजन करना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, अगर हम जांच कराते हैं, थायराइड की जांच में TSH थायराइड हॉर्मोन्स जो होता है अगर कम मिलता है तो भी यह एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अनेक ऐसे कारण होते हैं जिससे नाखून भुरभुरे या अस्वस्थ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम पानी में बहुत अधिक लंबे समय तक काम करते हैं, हमारे हाथ या पांव पानी में अधिक समय तक संपर्क में रहते हैं तो उनमें भुरभुरापन आता है। परंतु अगर उस पानी में डिटर्जेंट है या कोई रसायन है, उस पानी में हम हाथ डालते हैं तो हमारे नाखून भुरभुरे हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। होम्योपैथी की मदद से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। जहाँ हमें संतुलित भोजन करना होगा वहीं TSH को भी नियंत्रण करना पड़ेगा। और अगर हम पाते हैं कि हमारे पीठ में पसीना होता है, कमर दर्द होती है और नाखून भुरभुरे हो रहे हैं तो होम्योपैथी की दवा साइलिसिया 200 पूरे 7 दिन तक सवेरे सवेरे लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, पर इसके बाद आपको साइलिसिया 1 mg प्रत्येक सप्ताह लेना है। आप पाएंगे कि 2-3 माह में आपके नाखून सामान्य होने लगे हैं, जो लाइनें उनमें थी वो कम होकर धीरे धीरे गायब होने लगी और आपके नेल्स वापस गुलाबी होने लगेंगे। परंतु आपको डिटर्जेंट वगैरह वाले जो पानी हैं उसमें हाथ डालने के पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने नाखूनों में थोड़ा सा खोपरे का तेल लगा लें ताकि उनका संपर्क सीधे सीधे डिटर्जेंट से ना हो। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके नेल्स ब्रिटल या भुरभुरे या खराब होना बंद हो गए। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।